Hey guys, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तुम्हारा नाम है सीए कार्तिक जिंदल। वेलकम टू टॉक विद सीए केजे। पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स फ्रेंड्स आ चुके हैं आपके सामने। आज इलेक्टिव पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसा भी हुआ हमें उसके बारे में नहीं सोचना, चाहे अच्छा हुआ हो चाहे नहीं अच्छा हुआ हो। अब आपके और आपकी सक्सेस के बीच में दो ही पेपर सिर्फ बचे हैं, दो पेपर। पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड पेपर नंबर 8 इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आज हम बात करेंगे पेपर 7 की। सिर्फ 5 या 6 मिनट की टॉक रहेगी, ध्यान से सुनना, आपकी काम की बातें हो रही हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे बच्चे हैं या जो भी स्टूडेंट हैं वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ डायरेक्ट टैक्स प्लस इंटरनेशनल टैक्सेशन इन 1.5 डेज। ज्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों, मैं अभी भी ये बोल रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये अज्यूम कर करके मानोगे ना कि क्वेश्चन सेम आएगा तो क्वेश्चन तो सेम आने वाला नहीं है एग्जाम के अंदर। इसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि यू विल फेस न्यू क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन एंड दैट्स फॉर श्योर गोइंग टू सी द Jan 21 जैसे एग्जाम देख रहा हूं मैं। अभी सभी के सभी कॉन्सेप्चुअल एग्जाम पूछे हैं, तो अगर मुझे लगता है कि ये लेगेसी ICAI इन दो पेपर्स में भी कैरी फॉरवर्ड करने वाला है, तो ये मान के चलना कि पेपर नए आएंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आएंगे, मतलब नए क्वेश्चंस आपको देखने को अवेलेबल होंगे एंड वहां पर आपको क्वेश्चंस का डटकर सामना करना है। कैसे सामना कर पाओगे? आपके कॉन्सेप्ट कर बेसिस के ऊपर ही आप सामना कर पाओगे। जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वही आपके वॉरियर बचेंगे, वही आपके सेवियर बचेंगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। जैसे कि आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन को मत छोड़ के जाना, 30 मार्क्स का है, फ्री के नंबर है दोस्तों, फ्री के 30 नंबर है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, मैं मानता हूं कि आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो चुकी है होगी अभी तक। एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन को पूरा करने में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं, सिर्फ 4 से 5 घंटे। ट्रांसफर जो चैप्टर है TP ट्रांसफर प्राइसिंग का, थ्योरी भी पढ़ के जाना, छोटे छोटे पार्ट भी जरूर एक बारी चेक कर लेना, क्योंकि सवाल पूछता ही पूछता है, क्या पता कुछ और सवाल पूछ ले ट्रांसफर प्राइसिंग से। इक्वलेशन जो लेवी है इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर, वो भी जरूर पढ़ के जाना। एंड ये बात हो गई इंटरनेशनल टैक्सेशन की, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। 30 नंबर है जो कि आपके आने वाले हैं। अब MCQ का पेपर है, केस सिनेरियो का पेपर है, तो आपको पहले केस सिनेरियो से पहले उसके आपको MCQ देख लेने, अभी MCQ क्या है, ताकि अगर MCQ कई बार ऐसे होते हैं कि केस जो आपको पूछा सिनेरियो उसका लिंक होता ही नहीं है MCQ के साथ, तो इससे आपको आपका टाइमिंग सेविंग हो जाएगी। कोई भी MCQ पढ़ो पहले, कोई भी केस स्टडी है उसके MCQ पढ़ो, उसके बाद उसको केस का जो सिनेरियो है वो पढ़ो। TDS मत छोड़ के जाना, 8 नंबर का पूछता है, 100% पूछता है। सेकंड बात, क्या सर हमें केस लो याद करने हैं, क्या हमें एक सेक्शन याद करने हैं? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन सेक्शन अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रह जाए कोई बड़ी बात नहीं है, भूल जाना छोड़ देना, टेंशन मत लेना, क्योंकि सेक्शन नंबर याद करना किसी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है, और केस लो याद करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एग्जाम में नहीं केस लो याद आ रहा, लेकिन आपको पता है कि ये किसी केस लो का आंसर है, तो यहाँ पर लिख देना एज पर द रिस्पेक्टिव केस लो, जो भी के आपको याद है, भी एज पर द केस लो आप आंसर लिख देना। सेक्शन याद नहीं है तो लिख देना एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऐसे लिख के आना। सेक्शन याद नहीं है तो सेक्शन की टेंशन मत लेना, और गलत सेक्शन मत कोड करके आना एग्जाम्स के अंदर। प्रेजेंटेशन थोड़ी ढंग की करके आना। अगर डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मार्क्स क्यों नहीं मिलते, कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि आपको ये वाली एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल इन द चैप्टर ऑफ PGBP, तो अगर आप एड बैक कर रहे हो तो उसका रीजन भी साथ दे के आना वर्किंग नोट के अंदर, तभी आपको मार्क्स एलोकेट होंगे। एंड वहां पे अगर पेपर हार्ड आ जाता है तो हिम्मत मत हार जाना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपने हिम्मत हार गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, आपकी कॉन्सेप्चुअली का टेस्ट हो रहा है वहां पे, तो वहां पे आपको खड़ा उतरना है, बढ़िया से उतरना है। TDS मत छोड़ के जाना, केस लो वाले कोई बड़ी बात नहीं, याद रह जाए ठीक है। बाकी दोस्तों फटाफट आपको हर चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, PGBP, कैपिटल गेन, आपकी जो पेनल्टी है, आपकी जो असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ रहा, क्या पता इस बार पूछ ले, तो छोड़ के कुछ नहीं जाना। 1.5 दिन बहुत होता है दोस्तों, 1.5 दिन बहुत होता है, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, डोंट टेक टेंशन। 1.5 दिन बहुत होता है आपका, बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कौन सा करना है वो देखना है, क्वेश्चन छोड़ के कौन सा जाना है वो नहीं देखना, क्योंकि आपको अब ICAI ने किया क्या, जो MCQ है बुकलेट वो अभी नहीं मिलेगा आपको, 2 बजे ही मिलेगा, तो पहले 15 मिनट में आपको जो 70 मार्क्स का पेपर है वो पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, और ये सोचना है कि
आपको पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कौन से करने हैं, कम से कम दो क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो एमसीक्यू वाले पार्ट के अंदर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम विद द फिलिंग ऑफ ओएमआर शीट करना है 35 to 40 minutes. दिस इज मैक्सिमम टाइम, किसी एमसीक्यू पे 2 मिनट से फालतू लगे उसको छोड़ देना आखिर के लिए अटेम्प्ट करने से पहले. एंड रोल नंबर कहीं और मत लिख के आना, जैसा आईसीए ने बोला सिर्फ वहीं लिख के आना, और एग्जामिनेशन में कोई भी फालतू साइन मत बना के आना ओम का, किसी भी चीज का, क्योंकि अभी नवंबर 20 के जो आए रिजल्ट उसमें शॉकिंग न्यूज ये मिली है कि जो हमारे बच्चे हैं जो है स्टूडेंट उनका जो रिजल्ट है वो विदहेल्ड हो गया. क्यों? क्योंकि वो आंसर शीट पे कुछ और लिख के आ गए, 786 ओम बना के आ गए, कुछ भी लिखा गए, और एक बच्चे ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, वहां जाके वो लिख रहा है थैंक यू फॉर चेकिंग माय पेपर, पेपर कंप्लीट होने के बाद लिख रहा है थैंक यू फॉर चेकिंग माय पेपर. तो ऐसी गलती मत करना, कुछ भी मत लिखना, सिर्फ आंसर शीट के ऊपर जो आपके टॉप पे रोल नंबर ऐसे बोलते हैं वही लिखना, और ऐसी बेवकूफी मत करना. आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, हैंडराइटिंग की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कंटेंट की वैल्यू है. आपको विश्वास है आप सीए बनोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता. जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन जरूर करके आना एंड क्वेश्चन नंबर को टॉप पे करके आना. एंड भाई आग लगा दो, 2 पेपर बचे हैं, इसमें जो करना है करो, सीए बन जाओ, क्योंकि अब आपका टाइम चल रहा है, अभी सीए बन जाओगे. नाउ इट्स टाइम टू चेंज फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. वांटेड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉट, इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ, बट एज अ योर मेंटर सीए केजे इज ऑलवेज थिंक अबाउट यू. आपको सीए बनना है तो मतलब बनना है. 2 पेपर बचे हैं दोस्तों, जी जान लगा दो यार, हार्डवर्क करो. 2 दिन में आप बोलते हो सर एक दिन में क्या होगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, बहुत कुछ हो जाता है एक दिन के अंदर, आप क्या समझो. तो मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर दोस्तों. आप महान हो, शक्तिमान हो, एंड आप जरूर सीए बनोगे. जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त सीए कार्तिक जिंदल. टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ.